If the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equals to 5n square plus 3n, then we have to find the nth term of the AP. तो ये इन्होंने बोला है 5n square plus n, ये आपको sum of first n terms बताता है AP के. Okay? For example, मैंने कोई AP लिखी 3, 5, 7, 9, 11 and so on. तो यू नो इस AP के दो टर्म्स का सम, फर्स्ट टू टर्म्स का सम 5 प्लस 3 8 होगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम होगा 3 प्लस 5 प्लस 7 15 होगा. ओके तो इन्होंने बोला है कि कोई AP है उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम अगर चाहिए तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो. मतलब इस फॉर्मूला में आप n को 1 से रिप्लेस करोगे तो सिंगल टर्म का सम मिल जाएगा, n को 2 से रिप्लेस करोगे तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम मिल जाएगा, n की जगह 3 लिखोगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम मिल जाएगा. ओके आपको टर्म्स नहीं मालूम हो फिर भी आप पता कर सकते हो कि 4 टर्म्स का सम, 5 टर्म्स का सम, 10 टर्म्स का सम क्या होगा. बस आप इस फॉर्मूला में n की वैल्यू चेंज करते रहो. ओके चलो ठीक है. तो हमें इन्होंने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है तो आपको 5n स्क्वायर प्लस 3n की हेल्प से मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मुझे फर्स्ट टर्म का सम निकालना है. ओके पहले ये समझ लो कि फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म सेम ही बात होती है, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं. मैंने एक एपिक एग्जांपल दिया 5, 7, 9, 11 एंड 13. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम क्या है तो आप 5 प्लस 7 प्लस 9 करोगे. ओके अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या है तो आप 5 प्लस 7 करोगे, 12 करोगे. लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि फर्स्ट टर्म का सम क्या है तो फर्स्ट टर्म अकेला है तो फर्स्ट टर्म भी 5 है और फर्स्ट टर्म का सम का मतलब भी मैं फर्स्ट टर्म ही पूछ रहा हूँ. ओके तो अगर आप यहाँ n की वैल्यू की जगह 1 लिखोगे, अगर n की जगह 1 लिखोगे तो आपको सिंगल टर्म का सम मिलेगा, 1 टर्म का सम मिलेगा और उसका मतलब है कि आपको फर्स्ट टर्म ही मिल गया. ओके तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर s1 फाइंड करता हूँ. s1 का मतलब मैं एक टर्म का सम फाइंड करने वाला हूँ. ऐसा करने के लिए मुझे इस फॉर्मूला में n की जगह 1 लिखना है. तो 5 into n square है फिलहाल, बट हम लिखेंगे 5 into 1 square बिकॉज हम 1 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं. प्लस 3n की जगह आप लिखोगे प्लस 3 into 1. अब 1 square को पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे. 1 square का मतलब 1 होता है क्योंकि 1 into 1 1 होता है. 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिलेगा, 3 into 1 आपको 3 मिलेगा, 5 plus 3 8 मिलेगा. तो आपको एक टर्म का सम 8 मिल गया. इसका मतलब यह है कि फर्स्ट टर्म भी 8 रहा होगा. ओके याद रखो कि जो फर्स्ट टर्म होता है किसी एपी का और जो एक टर्म का सम होता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं. ओके आई होप ये तो क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं इसके आगे. अब दो टर्म्स का हम सम फाइंड कर लेते हैं. हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि nth टर्म क्या होगा. फिलहाल हम पहले एपी जान लें, उसके बाद हम nth टर्म देख लेंगे. अब हम दो टर्म्स का सम जानना चाहते हैं. तो दो टर्म्स का सम अगर आपको जानना है तो इसी फॉर्मूला में आप n को 2 से रिप्लेस कर दो. ओके आप लिखो s2. s2 का मतलब यू आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. अब इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप 2 लिख दो. 5 into 2 square plus 3 into 2. आई होप ये क्लियर है. अब पहले हम 2 square करेंगे. 2 square का मतलब होता है 2 multiplied by 2 विच इज़ 4. 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से तो आपको मिलेगा 20. ओके 20 प्लस 3 into 2 6 हो जाएगा और ये हो गया 26. ये s2 का मतलब सेकेंड टर्म नहीं है, s2 का मतलब है फर्स्ट टू टर्म्स का सम. मतलब पहले टर्म और दूसरे टर्म को आपने ऐड किया है, दो टर्म्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो 26 है. ओके s2 का मतलब क्या है, s2 का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को ऐड किया है. s2 का मतलब सेकेंड टर्म, दो टर्म्स का सम. a मतलब फर्स्ट टर्म और a2 का मतलब सेकेंड टर्म. जब आप फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ऐड करोगे तो ऐड करने से आपको s2 मिलेगा. तो देखो s2 की वैल्यू 26 है, मतलब फर्स्ट टू टर्म्स का सम 26 है. फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमको पहले से मालूम है वो 8 है, प्लस a2 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है. तो अब अगर हम 8 को भेज दें लेफ्ट साइड में तो हमको a2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी. सो 26 माइनस 8 इज़ द वैल्यू ऑफ a2, मतलब a2 हो जाएगा 26 माइनस 8 18 हो जाएगा. ओके अब आपको इस ap का फर्स्ट टर्म भी मालूम है और सेकेंड टर्म भी मालूम है. अभी हम इस ap में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं. देखो जी हमने कुछ देर फाइंड किया था, कुछ देर पहले मालूम किया कि ap का फर्स्ट टर्म 8 है और अभी भी मालूम हुआ है कि ap का सेकेंड टर्म 18 है. ओके आप देख सकते हो ap का फर्स्ट टर्म 8 था, ap का सेकेंड टर्म 18 है.
अब एपी का थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो आप देख लो कि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है। ये 8 है, ये 18 है, इसका मतलब डिफरेंस चल रहा है 10 का। डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। इट इज़ 10। इस एपी में डिफरेंस 10 चल रहा है, मतलब थर्ड टर्म होगा 28, फोर्थ टर्म होगा 38, देन 48, 58, 60, इस तरह से एपी चलती रहेगी। इन्होंने हमसे पूछा है कि इस एपी का nth टर्म क्या होगा। तो nth टर्म निकालने के लिए पहले तो आप ये फॉर्मूला जान लो कि nth टर्म निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप निकाल सकते हो nth टर्म। इस फॉर्मूला में ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो हम ए की जगह फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि 8 है, प्लस एन की जगह एन लिखेंगे क्योंकि हमको एंथ टर्म ही फाइंड करना है। अगर आपको एंथ टर्म फाइंड करना है तो आप एन की जगह एन लिखो। अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो आप एन की जगह 5 लिख दो। टेंथ टर्म फाइंड करना है तो एन की जगह 10 लिख दो। फिलहाल वी हैव टू फाइंड एंथ टर्म, सो एन की जगह एन ही लिखेंगे हम। डिफरेंस की वैल्यू 20 है, सॉरी 10 है, डिफरेंस की जगह मैंने 10 लिखा। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 8 प्लस 10 ने एन को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 10 एन। 10 ने 1 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट -10। अभी इस 10n को कॉपी कर लेते हैं, -10n और +8 मिलकर -2 बचेगा। तो दिस इज़ द आंसर। nth टर्म उन्होंने हमसे बोला था फाइंड करने को, तो वी हैव गॉट द nth टर्म, इट इज़ 10n -2। आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर है पूरी तरह आपको। कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।